विराजमान विद्वानों से मेरा निवेदन है कि वे सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन करें, समृद्ध मंच। आप सभी से निवेदन है कि लगे हाथ सरस्वती चित्र पर माल्यार्पण भी कर दें। मित्रों, आज की इस संगोष्ठी की अध्यक्षता हिंदी के मूर्धन्य समालोचक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय के प्रमुख प्रोफेसर कुमार पंकज जी कर रहे हैं। मुख्य अतिथि हिंदी की प्रख्यात लेखिका, कम कम 35 पुस्तकों की लेखिका डॉक्टर रेजा माधव जी हैं और प्रोफेसर जितेंद्रनाथ मिश्र जी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। प्रोफेसर वरराज पांडे जी जो हिंदी के बहुत अच्छे कथाकार हैं, बहुत अच्छी कहानियां लिखते हैं, वे भी विशिष्ट अतिथि हैं। हमारा मंच सौभाग्य से बहुत ही समृद्ध मंच आज का है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और ज़्यादा समय न लेकर के मैं थोड़ा सा कुछ विषय पर बात करके फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सद विद्या संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर धनंजय चतुर्वेदी से निवेदन है वे आए और विद्वानों को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करें। डॉक्टर नेजा माधव जी को अंग वस्त्र प्रदान करेंगी डॉक्टर सुचिता शर्मा जी। प्रोफेसर जितेंद्रनाथ मिश्र जी सोच विचार पत्रिका के संपादक हैं और हिंदी के बहुत अच्छे निबंध लेखक, समीक्षक, आलोचक, समग्र रूप से साहित्यकार हैं। प्रोफेसर जितेंद्रनाथ मिश्र जी, कुमार पंकज जी का अंगवस्त्र देकर के अभिनंदन हो रहा है। प्रोफेसर बलराज पांडे जी का अभिनंदन कर रहे हैं चतुर्वेदी जी। प्रोफेसर जितेंद्रनाथ मिश्र का अभिनंदन कर रहे हैं चतुर्वेदी जी अंगवस्त्र दे करके। लेखिका डॉक्टर निर्जा माधव का अभिनंदन करने जा रही है डॉक्टर सुचिता शर्मा, फाइन आर्ट्स की प्रोफेसर हमारे यहाँ है डॉक्टर सुचिता शर्मा जी। अध्यक्ष जी, श्रद्धे प्रोफेसर पांडे जी, परम आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्रनाथ मिश्र जी और श्रेयमयी कथा लेखिका रेजा माधव जी, मैं आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का विषय है हिंदी कहानी में राष्ट्रीय चेतना। संजोग से चारों विद्वान
यहाँ पर कथा साहित्य के विशेषज्ञ हैं, सब बैठे हैं। तो इतना समृद्ध मंच शायद ही नसीब होता हो। मैं संस्कृत के प्रोफेसर डॉक्टर धनंजय चतुर्वेदी से अनुरोध करता हूँ, वे आए और मंगलाचरण से कार्यक्रम का सुशोभित करें, सुगंधित करें। चलिए ठीक है। दिव्यैश्चन्दन चूर्ण मिश्र निकरैः मन्दानयोभाषितैः वीणावेणु मृदङ्ग दुन्दुभिरवैः गन्धर्व कीर्तिश्वरैः यो जातः क्षितिपालकः प्रचलयन् कृत्स्नं सर्वज्ञाय निरुद्ध सर्वगतये बुद्धाय तस्मै नमः या सर्वज्ञतया नयत्युपशमं शान्तैशीणश्रावकान् या मार्गज्ञतया जगद्धितकृतां लोकार्थसम्पादिका सर्वाकारमिदं वदन्ति मुनयो विश्वं यया संगता तस्यै श्रावक बुद्धसत्त्वगणिनो बुद्धस्य मात्रे नमः ब्रह्मा एन कुलालवन्यमितो ब्रह्माण्ड भाण्डोदरे रुद्धो एन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। चतुर्वेदी जी हमारे संस्कृत जगत के बहुत बड़े रचनाकार हैं, बहुत बड़े कवि हैं और संस्कृत जगत की एक हस्ती माने जाते हैं। आपको पा करके कि हमारा विश्वविद्यालय अपने को गौरवान्वित समझता है। आज का विषय हिंदी कहानी में राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना का अर्थ अगर थोड़ा सा विस्तार लिया जाए तो शायद इस गोष्ठी का वजन बढ़ जाए। राष्ट्रीय चेतना का तात्पर्य केवल राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं है, क्योंकि आज़ादी का आंदोलन तो 47 के बाद ख़त्म हो गया, लेकिन उसमें जो कहानियाँ लिखी गईं उनमें राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय चेतना मुखर हुई है, अच्छी तरह से मुखर हुई है। उसने कहा था कहानी जो हिंदी की श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है, उसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रीय चेतना भरपूर मात्रा में परिलक्षित होती है। गुलेरी जी की बहुत अच्छी कहानी मानी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी अच्छी लेखिका, बहुत अच्छी कवयित्री, और जिसमें राष्ट्रीय चेतना भरपूर है उनकी रचनाओं में, उनकी एक कहानी हमने पढ़ी, तांगे वाले में पूरा राष्ट्रीय चेतना भरपूर है, समाहित है। तांगे वाला होने के बावजूद वह व्यक्ति देश की आज़ादी के लिए चिंतित रहता है, हमेशा वह प्रयास करता है कि हम अंग्रेजों के इस राज्य में नौकरी नहीं करेंगे, भले ही तांगा चलाएंगे।
उसका एक दो लाइन हम मुद्रित करते हैं। हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बना लेंगे, यह पंक्ति वह बार बार गुनगुनाता रहता है। हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बना लेंगे। जलियांवाला बाग को कौन भूल सकता है, घाव ताजा है हुजूर। इन फिरंगियों को देखते ही उस पर नमक पड़ जाता है, इसलिए मैंने कसम खाई है इन्हें तांगे पर कभी नहीं बैठाऊंगा। यह एक तांगे वाले का संकल्प है, जो जिसके अंदर आजादी का जोश है, स्वतंत्रता का जोश है। ये कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान की तांगे वाला। प्रेमचंद की कहानियों में भी राष्ट्रीय चेतना भरपूर मात्रा में दिखाई देती है। कई कहानियां उनकी इस दृष्टि से, लेकिन एक कहानी अनुभव है उनकी, जिसमें राष्ट्रीय चेतना को हम देख सकते हैं। स्वयं सेवकों को एक व्यक्ति ने चाय शरबत पिला दिया, तो इसके लिए अंग्रेजी सरकार ने उसको जेल में डाल दिया, और जेल से आने के बाद वह बीमार होता है, दिवंगत भी हो जाता है। तो जरा उसकी पत्नी की पीड़ा, उसकी पत्नी को अपने पास रखने के लिए न उसके सास ससुर तैयार होते हैं, न माँ बाप तैयार होते हैं, अंग्रेजी सरकार के डर के कारण। उसकी सहेली देवी नाम की महिला है, जिसने उसे शरण दिया। जरा उसकी प्रतिक्रिया देखिए, एक लाइन की है मात्र। भारत माता को स्वतंत्र कराना होगा, और सॉरी, वह भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है। उसने चाहा कि पत उससे भी बात करे, और फिर प्रेमचंद के इस अनुभव कहानी में हम आते हैं। वह महिला जो देवी नाम की महिला है, जो उसको शरण देती है, वो क्या कहती है? ऐसे वीरों का सत्कार करने के लिए जो आदमी जेल में डाल दिया जाए, उसकी स्त्री के दर्शन से भी आत्मा पवित्र हो जाती है। तो मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि 47 के पहले जो भी कहानियां लिखी गई, उनमें अधिकांश मात्रा में राष्ट्रीय चेतना दिखाई देती है, लेकिन 47 के बाद राष्ट्रीय चेतना की धारा छीन हो जाती है। कहानियां प्रेम परक संबंधों पर, पति-पत्नी के संबंध और मध्यम वर्गीय समाज के चित्रों पर आकर के आधारित हो जाती है। जनेंद्र की एक कहानी है पत्नी। पूरी कहानी पत्नी शुरू से लेकर अंत तक कहानी में राष्ट्रीय चेतना दिखाई देती है, स्वतंत्रता आंदोलन के वीर, स्वतंत्रता सेनानी सब प्रयास करते रहते हैं कि आजादी कैसे मिले, कैसे प्राप्त हो। जरा गरम जल के एक व्यक्ति की यह पंक्ति देखिए। वह भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है, उसकी पत्नी कहती है। उसने चाहा कि पत उससे भी बात करे। सुनंदा जो है अनपढ़ महिला है, वह चाहती है कि उसका पति स्वतंत्रता सेनानी है, आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, वह उससे क्यों नहीं बात करते? भारत माता के विषय उससे क्यों नहीं सलाह मशवरा करते कि आजादी क्या, स्वतंत्रता क्या है? मैं कम पढ़ी लिखी हूं, मुझसे क्यों नहीं चर्चा करते? उसकी एक पीड़ा है। एक बात उसका कालिंदी चौहान उसका नायक है, उसके साथी कहते हैं, भारत माता को स्वतंत्र कराना होगा और नीच अनीच हिंसा अहिंसा को देखने का समय नहीं है। तो मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आजादी के पहले तो राष्ट्रीय चेतना भरपूर दिखाई देती है, लेकिन इसके बाद वह धारा छीन होती है। लेकिन अगर राष्ट्रीय चेतना को हम व्यापक रूप में लें, तो देश को एक स्वस्थ दृष्टि देने की अगर प्रवृत्ति किसी कहानी में दिखाई देती है, तो उसको हम राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत लेंगे। देश में भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुनिया अनेक जो समस्याएं हैं, विकृतियां हैं, अगर उस पर कोई प्रहार करता है और उन्हें दूर करने के लिए संकेत करता है, इस तरह की प्रवृत्ति अगर किसी कहानी मिलती है, तो उसको हम राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत रख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं हिंदी के मूर्धन्य में लेखक, पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग काशी हिंदी विश्वविद्यालय,
प्रोफेसर गौरव पांडे जी का पहले ताली बजा के स्वागत कीजिए। विषय परिवर्तन प्रवर्तन के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर बलराज पांडे जी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर कुमार पंकज जी, डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र जी, डॉक्टर नीरदा माधव जी, डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी और सभागार में उपस्थित दूसरे दूसरे विभागों से आए हुए आदरणीय आचार्यगण तथा दोस्तों, वो हमारे विद्यार्थी हैं डॉक्टर विवेकानंद तिवारी। 500 दिन पहले इनसे घर पर बातचीत हुई थी और इन्होंने मुझे सूचना दी थी कि हिंदी कहानी में राष्ट्रीय चेतना पर एक सेमिनार होना है। राष्ट्रीय चेतना किन किन कहानियों में है, हम लोगों ने घर पर कुछ चर्चा की थी इस संदर्भ में, लेकिन मुझे यह आशंका नहीं थी कि इसका दंड त्रिपाठी जी और तिवारी जी मिलकर यहाँ बुलाकर वक्तव्य दिलवा देंगे। मित्रों, अब ये तो मैं नहीं बता सकता कि जो हमारे श्रोतागण हैं वो हमारी बातों को कितना रिसीव कर पाएंगे, फिर भी कहना तो अपनी ही बातें हैं। इस समय देश में, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, ये विचार विमर्श का एक केंद्रीय विषय बन गया है। हमें यह पहले विचार करना चाहिए कि यह राष्ट्र या राष्ट्रवाद है क्या। एक पाश्चात्य विद्वान है टैनबी लिखते हैं कि राष्ट्रवाद एक शक्ति है जो समाज या जाति के निरंकुश शक्तियों के विरुद्ध अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तथा बाह्य आक्रमण के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक साथ रहने को बाध्य करती है। इसमें मुख्य रूप से दो बातों पर गौर करना चाहिए कि राष्ट्रवाद ये एक शक्ति है और यह राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय चेतना हमें ऑर्गेनाइज करती है, संगठित करती है, लेकिन यह शक्ति हमें सिर्फ बाह्य आक्रमण के विरुद्ध ही संगठित नहीं करती है। ऊपरी तौर पर हमारे दिमाग में ये बैठा रहता है कि कोई बाहरी आक्रमण अगर होता है और बाहरी आक्रमण के विरुद्ध जब हम पूरे देशवासी उठ खड़े होते हैं, इसका मतलब कि हमारे अंदर राष्ट्रीय चेतना है। लेकिन इसे हमें और थोड़ा गहराई में जाकर विचार करना चाहिए। टैनबी लिखते हैं कि जो समाज या जाति को निरंकुश शक्तियों के विरुद्ध, और ये निरंकुश शक्तियां सिर्फ बाहरी ही नहीं हो सकती हैं, आंतरिक भी हो सकती हैं, तो आंतरिक भी निरंकुश शक्तियां अगर हमारी स्वतंत्रता में, हमारी आजादी में बाधक बनती हैं, उनके खिलाफ भी राष्ट्रीय चेतना हमको संगठित होने के लिए विवश करती है। उदाहरण हमारे सामने है सन 1975 की इमरजेंसी आपातकाल, और आपातकाल में पूरे देश में एक
आजादी की मांग की गई थी कि हमें वर्तमान निरंकुश शासन के अत्याचार या अनाचार के विरुद्ध हमें आजादी चाहिए। 47 में हम आजाद तो हो गए थे, लेकिन 75 में फिर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, यानी आंतरिक भी निरंकुश शक्तियां अगर गुलाम बनाने की हमें कोशिश करती हैं, तो राष्ट्रीय चेतना हमें उनके विरुद्ध संगठित होकर संघर्ष करने के लिए आह्वान करती है। ये राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ, अब 1947 में हम आजाद हो गए, उसके बाद से राष्ट्रीय चेतना की हमें जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रीय चेतना की जरूरत हमें पल पल है, हर क्षण में है, क्योंकि जब एक समूचे भारत राष्ट्र को अपने दिल दिमाग में हम उपस्थित करते हैं और उपस्थित करते हुए अपना हर काम करते हैं, चाहे व्यक्तिगत काम हो, चाहे सामाजिक काम हो, चाहे नौकरी पेशा हो, अगर राष्ट्र हमारे दिमाग में है कि जो कुछ हम कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हम अपने देश के लिए कर रहे हैं, तो इस प्रकार का भाव जब तक हमारे मन में उपस्थित नहीं होगा, हमेशा नहीं रहेगा, तब तक हम राष्ट्रीय चेतना से संपन्न एक व्यक्ति अपने को नहीं कह सकते हैं। देखिए कि जैसे देश में बड़े से बड़े जो भ्रष्टाचारी हैं, करोड़ों अरबों रुपए का वारा न्यारा कर देते हैं, क्या उनको आप कह सकते हैं कि इनके अंदर भी राष्ट्रीय चेतना है? एक सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं, क्या उनको भी कहा जा सकता है? देश में रहने के कारण ही क्या वो राष्ट्रीय चेतना से समृद्ध है? ये सवाल आप लोगों के सामने मैं विचार के लिए छोड़ता हूं कि हमें देखना चाहिए कि हमारे देश की समृद्धि के लिए, देश की एकता के लिए, हमारे समाज की समृद्धि के लिए वह कितना योगदान करता है। अगर वह निजी सुख भोग विलास के लिए हमारे देश की संपत्ति को हड़प लेता है, निश्चित रूप से हमें उसे राष्ट्र विरोधी कहने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए, और वह अपराधी है, उसे दंड मिलना ही मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से राष्ट्र का मतलब केवल एक भौगोलिक सीमा में उपस्थित रहना ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र का मतलब राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, उस भौगोलिक सीमा में जो जनता रहती है, निवास करती है, उसके हर सुख दुख के साथ जो शामिल है, इसका मतलब कि उसके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना है। मित्रों, ये राष्ट्र सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत प्राचीन काल से हमारे यहां मौजूद है। ये कालिदास ने संभवतः ये कुमार संभवम में अस्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज जो लिखा है, इसका मतलब कि उनके दिमाग में, कालिदास के दिमाग में पूरा हिमालय उत्तर से पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो समुद्र भी फैला हुआ है हिमालय के साथ साथ, तो समुद्र और हिमालय ये दोनों एक भारत देश की स्थिति, भारत देश का नक्शा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारे बड़े ही विद्वान गुरु थे प्रोफेसर कुमार पंकज मिश्रा जी भी जानते हैं, प्रोफेसर भोला शंकर व्यास, बातचीत में वो कहते थे कि देखो, सांस्कृतिक दृष्टि से तो भारत की एक परिकल्पना है, क्योंकि शंकराचार्य ने जो ये स्थापित किए अपने तीर्थ, तो शंकराचार्य ने जो तीर्थ अपने स्थापित किए या जो धाम स्थापित किए, उसमें उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी, राष्ट्र का एक स्वरूप था कि भारत के चारों दिशाओं में उन्होंने अपना स्थान या अपना धाम जो है स्थापित किया। ये भोला शंकर व्यास ने हम लोगों को बताया था। इससे भी सिद्ध होता है कि राष्ट्र की एक परिकल्पना हमारे प्राचीन काल में ऋषियों, महर्षियों और कवियों के मन में जरूर रही थी।
और शायद वाल्मीकि रामायण में जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की बात आती है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बाद के भी कवियों ने, तुलसीदास तो लिखते ही है कि जहां बसिय तह सुंदर देशु जो प्रतिपालय सोई नरेशु, अपने देश की बात करते हैं। निराला जी की कविताओं में तो भरपूर मात्रा में एक राष्ट्र की और देश की जो कल्पना है, जहाँ सिंधु जो है वो चरण प्रक्षालित कर रहा है, निराला जी अपनी कविताओं में देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कहानी के बारे में बातचीत करनी है। कहानियों में जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा, उसने कहा था कहानी की चर्चा की, उसने कहा था को एक प्रेम कहानी के रूप में जाना जाता है, प्रसिद्ध है कि यह एक प्रेम कहानी है। मैंने एक आयोजन में उसने कहा था और जयशंकर प्रसाद की गुंडा, इन दो कहानियों की कुछ बिंदुओं को लेकर तुलना की थी। काशीनाथ जी अध्यक्षता कर रहे थे, आज प्रोफेसर कुमार पंकज अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वो हमारी इस आकांक्षा या हमने जो इस बिंदु को उठाया है उस पर वो जरूर कुछ सहमति असहमति व्यक्त करेंगे। मैंने तो जब काशीनाथ जी के सामने वो बिंदु उठाया तो काशीनाथ जी ने कहा कि कहां से आपने खोज लिया, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। उसने कहा था और गुंडा, ये दो कहानियां हैं, दोनों प्रेम कहानी, ये दोनों में प्रेम के तत्व हैं, भरपूर मात्रा में तत्व है। तो उसने कहा था मैं जो लहना सिंह है, यानी देखिए कि यानी प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति भी राष्ट्र के प्रति या देश के प्रति किस हद तक समर्पित होते हैं। लहना सिंह तो प्रथम विश्व युद्ध का योद्धा ही था और प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र अपने दुश्मन राष्ट्र के विरुद्ध लड़ रहे थे वो राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत ही तो वो लहना सिंह युद्ध कर रहा था। और वो छोड़ दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, युद्ध कर रहा था और सूबेदारनी होरा के साथ उसका प्रेम भी था। सूबेदारनी होरा के साथ प्रेम और प्रथम विश्व युद्ध का योद्धा। और जब कहती है कि मेरे बेटे और मेरे पति की तुम रक्षा कर लेना, तुम्हारे सामने मैं आंचल पसार कर ये भीख मांगती हूं। कुछ लोग कहते हैं कि सूबेदारनी होरा स्वार्थी थी, उसने अपने पति और बेटे को तो बचा लिया लेकिन प्रेमी के प्रति उसके मन में कुछ निष्ठुर भाव था। लेकिन इस प्रकार की व्याख्या जो है वो जो हल्के में करने वाले हैं वो करते हैं। लहना सिंह उस अपने प्यार की रक्षा खुद दुश्मन की गोली अपने सीने पर खाकर करता है। लहना सिंह दुश्मन की गोली, उस शत्रु पक्ष से वो लड़ता है और लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाता है लहना सिंह। गुंडा कहानी में भी जो गुंडा ननकू सिंह है, ननकू सिंह की कहानी सिर्फ बनारस के दो गुंडों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो वो चेत सिंह का किला आप लोग देखते हैं वहां जो राजा था और राजा की जो रानी थी, वह रानी आप जानते ही हैं कि एक राजा की कई रानियां होती हैं, तो राजा की जो रानी थी उस वो पिछड़े वर्ग से आती थी और उस रानी से ननकू सिंह का भी प्रेम संबंध था। और जैसे ही ननकू सिंह को पता चलता है कि किले को ब्रिटिश सेना ने घेर लिया है और राजा रानी को मार देना चाहते हैं, वैसे ही ननकू सिंह अपने
गिरोह के लोगों के साथ वो सीधे वो किले के दरवाजे पर पहुंचता है, गेट पर पहुंच जाता है और वहां ब्रिटिश सेना से तब तक संघर्ष करता है जब तक कि राजा और रानी जो है वो नाव पर सवार होकर गंगा नदी के उस पार नहीं चले जाते हैं। और जब इत्मीनान हो जाता है कि दोनों सुरक्षित चले गए तब जाकर वो लड़ाई और तेज करता है और वहां पर किले के दरवाजे पर, किले के गेट पर उसकी मृत्यु हो जाती है। वो भी हम अपने शब्द में तो कहेंगे कि वह भी एक शहीद ही होता है क्योंकि ब्रिटिश फौज के विरुद्ध वो लड़ता है, वहां भी वो शहीद है। तो जयशंकर प्रसाद और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जैसे हिंदी कहानी के बड़े लेखक, यानी प्रेम कहानी के साथ साथ किस प्रकार ये देशभक्ति की ही तो भावना थी, भले ही प्रेम का मुख्य कारण रही हो लेकिन देशभक्ति की ही भावना थी कि ब्रिटिश हुकूमत से ननकू सिंह जो है वो लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने का मतलब एक प्रकार से संदेश देना भी है बनारस की जनता को और दूसरे दूसरे जगहों में रहने वाली जनता को, यह संदेश भी देना है कि ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध हर व्यक्ति को, हर नौजवान को, हर बूढ़े को लड़कर और इस देश की मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। ये दो कहानियों में, यानी मुख्य रूप से ये प्रेम कहानी के रूप में या गुंडा तो एक दूसरे ही रूप में जाना जाता है, प्रसाद जी ने लिखा है कि यह काशी का गुंडा था, अंत उस कहानी का इसी वाक्य से होता है कि यह काशी का गुंडा था। आप देख सकते हैं कि यह काशी का गुंडा था, आज से उसका मिलान कर सकते हैं आज के गुंडों से कि प्रसाद जी के समय का जो गुंडा है वो किस प्रकार का संदेश आज के गुंडों को दे रहा है कि तुम अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, बाहुबल है तो तुम बड़ी से बड़ी जो हुकूमत है, बड़ी से बड़ी जो सेना है उसके विरुद्ध लड़कर दिखाओ, तब तो माना जाएगा कि तुम्हारे अंदर कुछ ताकत है, नहीं तो अपने छोटे छोटे विरोधियों को मारकर, उनसे लड़कर तुम क्या हासिल कर सकते हो। क्षणिक सुख तो मिल सकता है लेकिन एक जो बहुत बड़ा सम्मान मिलना चाहिए और बहुत बड़ा जो एक व्यक्तित्व बनना चाहिए उसका निर्माण तुम नहीं कर सकते हो। त्रिपाठी जी ने प्रेमचंद की चर्चा की। प्रेमचंद की एक कहानी शीर्षक ही है यह मेरी मातृभूमि है। यह मेरी मातृभूमि है और यह मेरी मातृभूमि है कहानी में अमेरिका से खूब धन कमाकर, यानी उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह गई है। बेटे भी वेल एस्टैब्लिश्ड है, पौत्र पौत्रियां भी वेल एस्टैब्लिश्ड है लेकिन अमेरिका में सारी संपत्ति कमाने के बावजूद उसका मन बार बार कचोटता रहता है कि कुछ भी हो लेकिन यह मेरी मातृभूमि नहीं है। आज जो साम्राज्यवाद है और आज जो हम अपने अपने बेटों को अमेरिका और ब्रिटेन भेजने की लालसा रखते हैं और उसी में गर्व की अनुभूति करते हैं, हमें इस कहानी से यह सीख लेनी चाहिए वो सारी संपत्ति के बावजूद, सारे धन धान्य के बावजूद, सारे सुख के बावजूद अंत में यह बात को चोटती रहती है कि यह मेरी लेकिन मातृभूमि नहीं है। यानी मातृभूमि में अगर थोड़ा दुख भी हो लेकिन अपनी मातृभूमि हो तो वह दुख भी हमें सुख की तरह ही महसूस होता है और अपार सुख हो और मातृभूमि अगर नहीं है तो वह अपार सुख भी हमें एक दुख की तरह ही महसूस होता है। इस कहानी में वो लौटता है भारत और भारत इस उम्मीद से लौटता है कि हमारा गांव होगा, हमारे जो बचपन के दोस्त होंगे वो बड़े हो गए होंगे, वो पेड़ पौधे नदी सब कुछ हमें जाने पर गांव पर उपलब्ध होगा। आता है तो देखता है कि जो हमारा
गांव है वह तो बिल्कुल बदल चुका है। वहां लोग सूट टाई में दिखाई दे रहे हैं, तरह तरह के बिजनेस करने में व्यस्त है। वो सोचता है अपने गांव में आकर कर, लेकिन यह तो मेरी मातृभूमि नहीं है। यह भी थोड़ा गौर करने की बात है। प्रेमचंद दिखाते हैं आ तो गया है अपने देश में, अपने गांव में भी आ गया है, लेकिन उस गांव को एकदम बदला हुआ, गांव का गांव जो है वो बिल्कुल लगता है जैसे वो इंग्लैंड में, इंग्लैंड के किसी मोहल्ले में आ गया हो, और देख रहा है कि लोग जो है केवल बिजनेस की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे का हालचाल भी नहीं पूछ रहे हैं कि तुम कैसे हो, कहां से आए हो। तो वहां पर फिर अपने दिमाग में यह सवाल उठाता है, लेकिन यह तो मेरी मातृभूमि नहीं है। अर्थात मातृभूमि या अपने राष्ट्र का मतलब कि हमारे राष्ट्र की या हमारी मातृभूमि की जो सभ्यता और संस्कृति है, वो सभ्यता और संस्कृति अगर सुरक्षित नहीं है तो उसे हम अपनी मातृभूमि नहीं कह। मातृभूमि का मतलब सिर्फ जमीन से नहीं, बल्कि हमारी अपनी जो विशिष्ट पहचान हमारी सभ्यता और संस्कृति बनाती है, उस सभ्यता और संस्कृति का भी होना अनिवार्य है। कई जगह जाता है, एक गांव में जाता है, लोग पूछते हैं कि यहां कैसे आ गए, कहा कि कुछ हमको आज रात भर रुकने के लिए जगह चाहिए, कोई उसको जगह नहीं देता है। तो जो हमारे यहां अतिथि देवो भव वाला भाव था, प्रेमचंद कहते हैं कि वह भाव भी वहां से लुप्त हो गया है। वहां भी कहता है कोई जब जगह नहीं देता रात को रुकने के लिए, वहां भी वह महसूस करता है कि लेकिन यह भी मेरी मातृभूमि नहीं है। और अंत में वह गंगा नदी के किनारे जाता है, और गंगा नदी के किनारे वो देखता है कि बहुत संख्या में स्त्री और पुरुष गंगा स्नान करने के लिए आ रहे हैं, भजन गाते हुए आ रहे हैं, और बिल्कुल अपनी वेशभूषा में, जिनकी कोई भी समृद्धि का संपत्ति का कोई लक्षण उनके बदन पर नहीं दिखाई दे रहा है, वहां आ रहे हैं। वहां एक झोपड़ी उसको दिखाई देती है, और वहां पर लोगों को स्नान करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, और गंगा तट पर कुछ मंदिर वगैरह अगर है उनमें जल चढ़ाते हुए, घंटे वगैरह की आवाज सुनते हुए जब वह देखता है, तब वह कहता है कि यह मेरी मातृभूमि है, और संकल्प लेता है कि अब इस जगह को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसी झोपड़ी में रहकर मैं अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत कर दूंगा। अब यह भी एक सवाल उठता है कि अपने देश में रहते हुए भी जहां लोग विदेशी सभ्यता और विदेशी संस्कृति के साथ अगर रह रहे हैं, उसमें अगर बदल गए हैं, तो एक सवाल उठता है कि क्या हमारे अंदर वह भी एक राष्ट्रीय चेतना है, या उस प्रकार की विदेशी सभ्यता और संस्कृति के साथ क्या हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन प्रेमचंद की यह मेरी मातृभूमि है का नायक जो है, वह उन सारी विशिष्टताओं को जो विदेशों से उधार ली गई है उसको इनकार करता है, और कहता है कि यह हमारी मातृभूमि नहीं है। हमारी मातृभूमि तो वह है जहां अतिथि देवो भव का संस्कार है, जहां गंगा स्नान का संस्कार है, जहां मंदिर में कीर्तन और भजन का संस्कार है, जहां लोग पूजा करते हैं और निश्चल हृदय एक दूसरे से मिलते हैं। वास्तव में यह मेरी मातृभूमि है। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। प्रेमचंद की ही कहानी है रानी सारंधा। रानी सारंधा राजा हरदौ, ये प्रेमचंद ने ये भी कहानियां लिखी हैं। और रानी सारंधा, तो रानी सारंधा उसका जिसके साथ विवाह होता है, चंपत राय के साथ, वह चंपत राय, वह चंपत राय कुछ समझौतों के
तहत जो मुगल बादशाह है वो मुगल बादशाह के आश्रित हो जाता है। रानी सारंधा वो चंपत राय से कहती है कि मुगल बादशाह के आश्रित होकर गुलाम की जिंदगी व्यतीत करना, क्योंकि मुगल बादशाह भी कई जितनी सुविधाएं चंपत राय की को जरूरत थी सब सुविधाएं दे चुका था मुगल बादशाह। लेकिन रानी सारंधा कहती है कि सारी सुविधाओं को लेने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुगल बादशाह की गुलामी जो है वह ठीक नहीं है, और चंपत राय को बहुत प्रेरित करती है कि इस प्रकार की गुलामी से हमें मुक्त होना चाहिए। चंपत राय उसको समझाता है कि भाई जनता है, प्रजा है, अगर हम संघर्ष करेंगे तो हजारों की संख्या में स्त्री और पुरुष मार दिए जाएंगे मुगल बादशाह द्वारा। उन हजारों की संख्या में स्त्री और पुरुष और जो अनाथ हो जाएंगे लोग, उनका क्या होगा? तो चंपत राय उसकी भी चिंता जायज है कि अगर हम संघर्ष करते हैं तो ये सभी मार दिए जाएंगे, इनका क्या होगा? रानी सारंधा कहती है एक मुगल बादशाह से एक शपथ पत्र हम लेते हैं, और शर्त है कि शपथ पत्र देने के लिए जाएगा कौन, क्योंकि जो जाएगा शपथ पत्र लेने के लिए उसकी निश्चित रूप से हत्या होनी है। रानी सारंधा चंपत राय से कहती है कि मैं अपने बेटे को भेजूंगी, अपने बेटे को भेजती है और बेटे की हत्या हो जाती है, लेकिन शपथ पत्र में लिखा हुआ है कि यहां पर जितने स्त्री पुरुष और बच्चे हैं उनमें किसी की भी अब हत्या नहीं होगी, सबको सही सलामत यहां पर सुरक्षित रखा जाएगा। तब जाकर चंपत राय और रानी सारंधा वहां से भाग जाते हैं। तो रानी सारंधा जैसी नायिका की सृष्टि प्रेमचंद ने की है, जो अपनी प्रजा के लिए अपने बेटे का बलिदान करा देती है। तो राजा वह होता है जो सिर्फ अपनी चिंता न करे बल्कि वह अपनी प्रजा की, जनता की चिंता करे। आज प्रेमचंद की इस कहानी से हमको एक सीख मिलती है, क्योंकि आज स्थिति एकदम उलट गई है। आज का राजा जो है वो सिर्फ अपनी संतान की रक्षा में लगा हुआ है, जबकि प्रेमचंद के समय का जो राजा है वह राजा और रानी अपनी संतान का बलिदान देकर और अपनी प्रजा की, अपनी जनता की रक्षा करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए प्रेमचंद की यह रानी सारंधा कहानी आज की जो सत्ता है, आज की जो सल्तनत है, आज के जो राजा है, प्रजातंत्र के जो राजा है, उन प्रजातंत्र के राजाओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख देती है। मुझे मालूम नहीं कि प्रेमचंद की रानी सारंधा की इस सीख से आज के राजा जो हैं वो कहां तक प्रभावित होंगे, कहां तक प्रभावित नहीं होंगे। इसी तरह से राजा हरदौल, और राजा हरदौल एक पहलवान आता है कादिर खान, और चुनौती देता है ये बुंदेलों को, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलों को चुनौती देता है कि कोई भी आकर हमसे अखाड़े में लड़ ले और हमें पराजित कर दे। राजा हरदौल दो दो तीन तीन अपने पहलवानों को भेजते हैं, सभी परास्त हो जाते हैं। अंत में राजा हरदौल, लेकिन इस राजा की राष्ट्रीयता क्या है, राजा कहता है न्याय ही राजा का सबसे बड़ा सहायक है, न्याय की गढ़ी में कोई शत्रु घुस नहीं सकता। ये वैल्यू, ये मूल्य उस समय राजा हरदौल का था कि न्याय ही राजा का सबसे बड़ा सहायक है, न्याय की गढ़ी में कोई शत्रु घुस नहीं सकता। तुम्हारा काम केवल न्याय करना ही नहीं, प्रजा को अपने न्याय का विश्वास दिलाना होगा।
तुम्हारा काम केवल न्याय करना ही नहीं, प्रजा को तुम्हें अपने न्याय का विश्वास दिलाना होगा। तो यह न्याय, जहांगीर का भी हम लोग न्याय सुन चुके हैं, तो यह न्याय जो है एक बहुत बड़ा मूल्य लेकर आता है राजा हरदौल कहानी में। और इस न्याय की कीमत पर दो दो तीन तीन पहलवान कादिर खां को परास्त नहीं कर पाते, लेकिन राजा की सख्त हिदायत है कि अगर पराजित नहीं कर पाते तो इसमें किसी भी प्रकार की नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर वह मजबूत है, ताकतवर है, तो उसको जीतना चाहिए, ताकि राजा में यह प्रजा में यह विश्वास हो कि यहां न्याय हो रहा है। और जब राजा हरदौल देखता है कि कोई भी अब लड़ने वाला नहीं है, वो खुद अखाड़े में उतरता है और अखाड़े में उतरकर तलवार से दोनों की लड़ाई होती है और राजा हरदौल जो है वह जीत जाता है। इस प्रकार से प्रेमचंद, रानी सारंधा, राजा हरदौल, यह मेरी मातृभूमि है। आप लोगों ने दो बैलों की कथा कहानी पढ़ी होगी, दो बैलों की कथा, यानी बैलों के माध्यम से कितना बड़ा संदेश देते हैं प्रेमचंद। हीरा और मोती, हीरा और मोती, ये दोनों बैल भारतीय जनता के प्रतीक हैं। और कहानी में एक सांड भी आता है, वह सांड ब्रिटिश हुकूमत का प्रतीक है जो हरे भरे खेत चर जाता है। और उस सांड को परास्त करने के लिए हीरा और मोती, प्रेमचंद अपने जानवरों का नाम भी कितना बढ़िया देते हैं, हीरा और मोती। कुत्ते का अगर नाम देते हैं तो जबरा, जबरा जबरदस्त, जबरदस्त यानी ताकतवर है, तो कुत्ते का नाम जबरा रखते हैं, बैल का नाम हीरा और मोती रखते हैं, गाय का नाम गोदान में वो सुंदरी रखते हैं, सुंदरी, गाय का नाम सुंदरी रखते हैं। लेकिन जब पात्रों का नामकरण करना होता है तो किसी को गोबर रखते हैं, किसी को होरी रखते हैं, किसी को गोबर रखते हैं, इस प्रकार के नाम। तो पात्रों के नाम पर उन्हें कोई खास उसके प्रति रुचि नहीं है, लेकिन जानवर जो पात्र हैं उनके नाम के प्रति एक रुचि है। प्रेमचंद पर कार्यशाला हो रही थी तो नामो सिंह से दूधनाथ सिंह एक कथाकार हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, प्रेमचंद जानवरों से बहुत, पशुओं से बहुत प्रेम करते हैं, प्रेमचंद पशुओं से बहुत प्रेम करते हैं। तो नामोर जी ने तुरंत जवाब दिया कि दूधनाथ जी, प्रेमचंद पशुओं से तो प्यार करते हैं, लेकिन आप और आपकी पीढ़ी की तरह पशुवत प्यार नहीं करते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये हीरा और मोती ऐसे जबरदस्त प्रेमचंद के पात्र हैं जो सांड को मार मार कर भगा देते हैं। यानी भारतीय जनता में हीरा और मोती की तरह अगर एकता हो तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद बड़े से बड़ी, बड़ी से बड़ी सत्ता को भी यहां से मार भगाने में कोई उसे दिक्कत नहीं होगी। और वह हीरा और मोती आजाद भी कराते हैं मवेशी खाने में, जो दूसरे जानवर बंद पड़े हैं वो मवेशी खाने की चहरदीवारी को सींग से मार मार कर तोड़ देते हैं। यानी पूरा देश ही जैसे उस समय मवेशी खाना बना हुआ था। वह प्रेमचंद की दो बैलों की कथा कहानी का मवेशी खाना जैसे पूरा देश ही ब्रिटिश सत्ता का मवेशी खाना बना हुआ था, और हीरा मोती सींग से मार मार कर और दीवार तोड़ देते हैं और जानवरों को आजाद करते हैं। गधा अंत में बच रहता है, वो जाता ही नहीं। गधे को अपनी सींग से मार मार कर, यानी भारत की जनता, शुक्ल जी तो कहते हैं कि संसार नाना रूपात्मक है, तो भारत की जनता भी नाना रूपात्मक है। बहुत से लोग हैं जो आज भी आजाद नहीं रहना चाहते। आजाद से मतलब कि जो निरंकुश, निरंकुशता से आजादी, निरंकुशता से आजादी,
और यह निरंकुशता से आजादी आज तो चल रहा है कि भाई स्त्री को भी पुरुष वर्चस्व से आज आजादी चाहिए, पुरुष वर्चस्व से स्त्री को भी अपने घर में आजादी चाहिए। तो इस निरंकुशता के विरुद्ध जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, आवाज उठाने वाली जो संगठित शक्तियां हैं, हमें यह देखना चाहिए कि किस तरह आज भी जरूरत है इस आजादी को प्राप्त करने की। बस एक कहानी की थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। ईदगाह का हामिद और हामिद ईदगाह के ईद के मेले में जाते हैं और दूसरे लड़के उसको चिढ़ाते हैं। वो सिर्फ चिमटा खरीदता है, लोहे का चिमटा, और दूसरों के पास मिट्टी के जज हैं, सैनिक हैं, वकील हैं, मिट्टी के ये सब खिलौने हैं। और धनी वर्ग के वो लड़के हैं, कितनी क्रूरता है कि उसके मुंह के सामने मिठाई ले जाकर कि लो 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 मिठाई खाओ, और धनी वर्ग के लड़के जो है उसके सामने से मिठाई खींच लेते हैं। यह भी एक मनुष्यता है हमारे देश में। चिमटा लिए हुए, लोहे का चिमटा लिए हुए वह हामिद कहता है कि यह मेरा लोहे का चिमटा तुम्हारे मिट्टी के जज को, मिट्टी के सैनिक को, मिट्टी के तुम्हारे पुलिस को, सबको मार देगा। और ये मिट्टी में एक ये जल पानी का बूंद गिरने पर और ये सब गल जाएंगे। हमारा यह जो चिमटा है, यह मेरा चिमटा, रुस्तमे हिंद शब्द का प्रयोग प्रेमचंद ने किया है, यह मेरा चिमटा रुस्तमे हिंद, यानी रुस्तमे हिंद यानी अगर आपके अंदर अपने देश के प्रति, अपने हिंदुस्तान के प्रति अगर प्यार है, तो मिट्टी की जो सत्ता हमारे ऊपर अगर थोपी जाती है। और आज की सत्ता की क्या स्थिति है, मैं एक चीज भूल गया था, उत्तर कोरिया के एक विद्वान ने लिखा है कि इकोनॉमिक सेल्फ सपोर्ट इज मटेरियल बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक सेल्फ सपोर्ट आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता, इकोनॉमिक सेल्फ सपोर्ट इज मटेरियल बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस। एनी कंट्री विच डिपेंड्स ऑन अदर्स इकोनॉमिकली, इट डिपेंड्स ऑन अदर्स पॉलिटिकली टू। कोई भी देश आर्थिक रूप से अगर दूसरे देश पर डिपेंड करता है, निर्भर होता है, राजनीतिक रूप से भी वह उसी देश पर निर्भर करता है। एंड एन इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नेशन कैनॉट एस्केप फ्रॉम द डेस्टिनी ऑफ स्लेव। आर्थिक रूप से दूसरे पर निर्भर करने वाला राष्ट्र किसी भी स्थिति में दूसरे देश की गुलामी से बच नहीं सकता है। अमेरिका की राजनीति हर जगह पूरे संसार में आज फैली हुई है। स्वदेशी का नाम बहुत लिया जाता है, हमें देखना चाहिए कि इस स्वदेशी की भावना को, क्योंकि स्वदेशी की भावना को जागृत करना, उसके अनुसार आचरण करना भी एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय चेतना है। हमें देखना चाहिए, जबकि मुश्किल काम लग रहा है, क्योंकि चीन का सामान, अमेरिका का सामान, ब्रिटेन का सामान, दूसरे दूसरे देशों का सामान हमारे घर में, हमारे किचन तक इतना घुस चुका है, हमारे बदन तक इतना घुस चुका है कि स्वदेशी किस प्रकार से सफल होगी, यह थोड़ा सोचनीय सवाल है। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। विद्वान वक्ता ने राष्ट्रीय चेतना की जिस तरह से व्यापक परिभाषा दी, जिस तरह से विशद रूप में व्याख्यात किया, वह सच में अद्भुत है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेमचंद की दो कहानियों में जो राष्ट्रीय चेतना इन्होंने दिखाई, वह सच में अद्भुत है।
दो बहनों की कथा में राशि चेतना खोजना ये बहुत बड़ी बात है और उसको प्रमाणित कर दिया डॉक्टर साहब ने। एक इनकी मौलिक उद्भावना इसको हम कह सकते हैं। और रुस्मे हिंद की बात कर करें, चिमट ईदगाह कहानी में भी राशि चेतना आपने दिखाई, यह भी इनकी मौलिक देन है, यह इनकी मौलिक समीक्षा कही जा सकती है। प्रसाद और प्रसाद की कहानियों में डॉक्टर साहब दिखाया कि गुंडा कहानी गुंडा कहानी की चर्चा डॉक्टर साहब ने की, तो सच में ये तो सच है कि प्रसाद जी की कहानियों में प्रेम और क्या कहते हैं कि देश प्रेम दोनों समानांतर रूप से चलते हैं। और अंत में प्रसाद जी क्या करते हैं कि प्रेम को ताक पर रखवा देते हैं और देश प्रेम को सामने ला देते हैं। मैंने देश प्रेम को प्रेम की तुलना में अधिक महत्व प्रसाद जी ने अपनी कहानियों में दिया है, चाहे वो पुरस्कार कहानी हो। जी जी, मधुलिका की इस तरह की सोच है और क्या कहते हैं कि इसी तरह से आकाशदीप कहानी है, उसमें भी राष्ट्रीय चेतना भरपूर मात्रा में देखी जा सकती है। हाँ डॉक्टर साहब, या समय के अभाव में हो सकता है कि हमारे डॉक्टर साहब ने प्रेमचंद के बाद की कहानियों की चर्चा नहीं की, और प्रेमचंद के बाद की कहानियों में भी राष्ट्रीय चेतना दिखाई देती है। फिर कभी समय मिलेगा तो डॉक्टर साहब को अलग से हम बुलाएंगे और उनका वक्तव्य इस पर कराएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा विश्वविद्यालय आपके इस वक्तव्य से आभारी है। अब मैं सोच विचार पत्रिका के संपादक, बहुत अच्छे निबंध लेखक, पद्म भूषण से अलंकृत सर कौन जी, साहित्य भूषण चलिए साहित्य भूषण से अलंकृत नागरी प्रचारणी के सर क्या है आप, हो गया यार, अच्छा अनेक अनेक अलंकारों से अलंकृत हाँ मिश्र जी हमारे सामने हैं। आप इनको सुनेंगे बहुत ही प्रसन्न होंगे और न जाने कितने लेखक तैयार कर रहे हैं सोच विचार पत्रिका के माध्यम से। नई पीढ़ी को जिस तरह से डॉक्टर साहब अपनी पत्रिका में महत्व देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक अच्छी पीढ़ी तैयार हो रही है, इसके लिए हिंदी जगत इनका मैंने कि कृतज्ञ है। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूँ समय की सीमा में रह करके अपनी बात को कहेंगे। डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र जी आए सर, संगोष्ठी के अध्यक्ष, हिंदी कथा साहित्य के प्रखर समीक्षक और कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर कुमार पंकज जी, मेरे बहुत आत्मीय मित्र और हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्य और अध्यक्ष तथा अच्छे कथाकार बलराज पांडे जी, हिंदी की अग्रणी कथा लेखिका जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, मेरी प्रिय कथा लेखिका हैं, कवयित्री हैं, हर प्रशंसा की अधिकारिणी हैं डॉक्टर नीरजा माधव जी, संयोजक हमारे बाबूराम त्रिपाठी जी, संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ विद्वान और धुरंधर कवि डॉक्टर धर्मदत्त जी, अन्य अन्य संकायों के विद्वान प्राध्यापक गण, प्रतिभागी छात्र छात्राओं, आपने अभी व्याख्यान सुना, यह अधिकारी विद्वान हैं, कथाकार हैं, कथा समीक्षक हैं और आगे नीरजा जी का जो देश की शीर्षस्थ कथा लेखिकाओं में है उनका एक व्याख्यान आपको सुनना है। बहुत तेजस्वी कथा समीक्षक कुमार पंकज जी को सुनना है। मैंने तो बाबूराम त्रिपाठी जी से कहा कि भाई मैं तो कथा साहित्य का एक मामूली सा पाठक हूँ, मेरा कोई इस विषय पर अधिकार उधिकार नहीं है, इतनी दूर से मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, काम चला दीजिए, उनका नहीं आना है।
तो मैं उपस्थित हो गया। अब सुनने के लिए आया तो अच्छा काम कीजिए तो अच्छा फल मिलता है, मंच पर सम्मान प्राप्त हुआ। तो मुझे कोई खास नई बात नहीं कहनी है। बलराज जी ने बहुत अधिकार के साथ राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रवाद, इनकी परिकल्पना के इर्द गिर्द बहुत महत्वपूर्ण बातें कह दी हैं। मैं कुछ काम चलाऊ बहुत सामान्य बातें यहाँ कहूँगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कहे बिना फुर्सत प्रदेश की, पंचतंत्र की, कथा सरित सागर की और इन महान ग्रंथों को अगर छोड़ दीजिए तो वेद, उपनिषद, पुराण, यह सब कहानियों के भंडार हैं। हम जिसको सुहृद सम्मित वाणी कहते हैं शास्त्र की परिभाषा में, वह सुहृद सम्मित वाणी जो है वह कथा से, कहानी से ही ओतप्रोत है और यही उसका महत्व है। तो यह कहानी की आदि भूमि है और कहानी जब भी कही गई तो कुछ कहने के लिए कही गई। और कहना क्या था? कहना वही था कि एक संतुलित स्वस्थ नागरिक का निर्माण, एक नागरिक, एक आदमी जहां अपने मानवीय कर्तव्यों से चूकता है, चूक सकता है, कहानी के माध्यम से हम बहुत प्रभावशाली ढंग से मर्म का स्पर्श करते हुए उपयोगी बातें, काम चलाऊ बातें, जरूरी बातें, अनिवार्य बातें उसके जहन तक हम पहुंचा देते थे। कहानी ट्रांसफॉर्म करती थी, साहित्य का एक उद्देश्य ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहानी ट्रांसफॉर्मेशन की एक सबसे महत्वपूर्ण विधा थी और वह विधा भारत में सनातन काल से, पुराने समय से, और न केवल भारत में, बाइबिल कितनी श्रेष्ठ कहानियों से, बौद्ध साहित्य की बात करें तो जातक कथाएं, बौद्ध साहित्य का जितना दर्शन है जातक कथाओं के माध्यम से जितनी खूबी के साथ आदमी समझता है, जानता है, उतना कोई दूसरा श्रेष्ठ साधन तो था नहीं। तो हमेशा कहानी कुछ ना कुछ कहने के लिए थी। हिंदी कहानी जिसको हम आधुनिक हिंदी कहानी कहते हैं, संयोग से इसका जन्म उस समय हुआ जबकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आंदोलन उफान पर था, अपने चरम उत्कर्ष पर था। माने 1900 में महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती, हालांकि 1900 में द्विवेदी जी संपादक नहीं थे, वो 2 साल बाद संपादक हुए, लेकिन 1900 में सरस्वती का प्रकाशन हुआ और इसके कुछ पहले से। और सच कहिए तो हम भारतेंदु काल में ले जाएं, हम उनका उन लोगों से सहमत नहीं है जो कि मानते हैं कि कहानी सरस्वती के प्रकाशन के बाद ही अस्तित्व में आई। भारतेंदु काल की बहुत सी रचनाओं को चाहे वह निबंध के खाते में रखें, चाहे जिस खाते में रखें, राजा भोज का सपना वगैरह, इन सब को आप कहानी के खाते में ले सकते हैं। तो माने कहने का कि वह राष्ट्रीयता के अभ्युदय का दौर था, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था। उस काल में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए सबसे सशक्त माध्यम के रूप में कहानियों का बहुत प्रचुर विकास हुआ। इस बात को आप सभी हमसे इस बात पर सहमत हो सकते हैं और यह इस बात में भी सहमत हो सकते हैं कि इतिहास में पहली कहानी चाहे जो हो, लेकिन हिंदी कहानी का जो श्रेष्ठतम व्यक्तित्व, जहां से हिंदी कहानी को संसार की कहानी के समकक्ष खड़ा होने के लायक शक्ति प्राप्त हुई, ऊर्जा प्राप्त हुई, स्वरूप प्राप्त हुआ, वह थे प्रेमचंद, जिनका कि बलराज पांडे जी ने बहुत विस्तार के साथ जिक्र किया है। और आप यह भी जानते हैं कि प्रेमचंद की पहली जो पहला कहानी संग्रह था सोजे वतन, देश का दर्द, और वह कहानी संग्रह जब्त कर लिया गया था, ये सब आप लोगों को मालूम होगा, अंग्रेज सरकार के द्वारा देशद्रोही भावनाओं के प्रचार प्रसार के आरोप में उसको जब्त कर लिया गया था। उस कथा कहानी संग्रह में पहली कहानी क्या थी? सबसे अनमोल रतन है ना, क्या है? देश का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन।
और उसमें वो कहते हैं कि देश के हिफाजत के लिए बहने वाला जो खून का आखिरी कतरा है वह देश की सबसे अनमोल चीज है, वह दुनिया का सबसे अनमोल रत्न होता है। देश की हिफाजत के लिए बहने वाला खून का आखिरी कतरा, माने आप यहां से समझिए, कहानी यहां जन्म ले रही है, कहानी यहां अपना एक विकसित स्वरूप, एक अपनी अस्मिता का परिचय सारी दुनिया को दे रही है, और यहां से हम कहानी, और प्रेमचंद ने बहुत विस्तार के साथ हंस के संपादकीय टिप्पणियों को पढ़िए, उनकी भूमिकाओं को पढ़िए, प्रेमचंद ने बहुत विस्तार के साथ पहले और अपने समय के परिवेश का, साहित्यिक परिवेश का बहुत विस्तार के साथ विवेचन किया। उन्होंने बताया है पंचतंत्र और उसके पहले वैदिक औपनिषदिक कहानियों से प्रारंभ करके उन्होंने बताया है कि हमारे समय में जिस समय हम खड़े हैं, जिस समय हम रचना कर रहे हैं, इसके पहले का जो जमाना था उसमें वह राष्ट्रीय चेतना, वह राष्ट्रीय सरोकार नहीं जागृत हो पाया था। हम गुलामी के वातावरण में हमारा वह मानसिक विकास वो नहीं हो पाया था। गांधी जी को श्रेय जाता है कि उन्होंने उस राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। उन्होंने बताया कि हमारा भी राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र की स्वतंत्रता में हमारा भी कुछ योगदान हो सकता है। तो माने कहने का यह कि कहानी तो हमेशा कुछ कहने के लिए थी, और जब राष्ट्रीयता का, राष्ट्रीय आंदोलन का वातावरण था उस समय जो कहानी लिखी गई वह सीधे सीधे अनेक कहानियां राष्ट्रीय स्वातंत्र्य, राष्ट्रीय आंदोलन इन सब से जुड़ती थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ढेर सारी जो कहानियां लिखी गई अगर वो सीधे युद्ध की कहानी नहीं है, सीधे बंदी जीवन की कहानी नहीं है, तो राष्ट्रीय चेतना की कहानियां नहीं है। प्रेमचंद बताते हैं, इस पर भी लिखते हैं, बल्कि हम तो कहते हैं कि राष्ट्रीय चेतना को एक नया नाम दे दीजिए, और प्रेमचंद ने वही नाम दिया है। प्रेमचंद ने स्वाधीनता शब्द का प्रयोग किया है, स्वाधीनता शब्द का प्रयोग किया है, और स्पष्ट लिखा है कि यह स्वाधीनता जो है वह एक प्रवृत्ति है। मन से स्वाधीन होना ही स्वाधीन होना है। वे गांधी भी कहते थे कि सारे लोग सत्याग्रह और इसी में भाग लें, यही देश प्रेम नहीं है। जो जहां है वह अपनी भूमिका को मुस्तैदी के साथ करे, यह मान करके कि देश हमारा है, यह चेतना जगाने वाली जो रचना है, हमको स्वाधीन बनाने वाली रचना है, हम अपने काम के लिए किसी के मोहताज न हो, हम अपने कर्तव्यों के पालन में कहीं से जरा भी संकुचित न हो, शिथिल न हो, मानवीय सरोकार जिनको हम कहते हैं वह भी राष्ट्रीय चेतना में आता है। यह बात अलग है कि राष्ट्रीय चेतना का एक संकुचित रूप राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद के रूप में भी सामने आया है, लेकिन वह साहित्य का सरोकार नहीं है। साहित्य का वह सरोकार नहीं है, साहित्य तो मानवीय सरोकारों से कभी भी हट नहीं। प्रेमचंद कहते हैं स्वाधीनता केवल मन की वृत्ति है, इस वृत्ति का जागना ही स्वाधीन हो जाना है। अब तक इस विचार के जन्म ही नहीं लिया था, पर भारत के कर्णधार महात्मा गांधी ने इस विचार की सृष्टि कर दी। यह हंस के संपादकीय में उनका वक्तव्य है। तो माने कहने का कि यह इस अर्थ में राष्ट्रीय चेतना के भीतर सामाजिक सरोकार भी आ जाते हैं, राष्ट्रीय चेतना के भीतर मानवीय सरोकार भी आ जाते हैं, लेकिन व्यापक फ्रेमवर्क यही कि यह हमारी अपनी जन्मभूमि है, यह हमारा अपना राष्ट्र है। और जब इस यह कल्पना करेंगे तो ध्यान रखिए, तब राष्ट्रीय चेतना की हम जो भी परिभाषा करेंगे उसके पहले भारतीय राष्ट्रीय चेतना यह भारतीय शब्द विशेषण के रूप में जोड़ना जरूरी पड़ेगा। हमारे संदर्भ में राष्ट्रीयता की जो भी अवधारणा होगी वह भारतीय राष्ट्रीय अवधारणा होगी, भारतीय विशेषण पर केंद्रित अवधारणा होगी। और जब भारतीय विशेषण लगाएंगे तो भारत की संस्कृति,
भारत की सभ्यता, भारत की भूषा, भारत की भाषा, भारत की जीवन शैली, भारत के आदर्श, भारतीय ज्ञान विज्ञान, इन सब को के अनुसार पूरे एक आदर्श जीवन को केंद्र में रख करके रची गई कहानियों को अलग करना होगा, तब आप राष्ट्रीय चेतना की कहानियों का अध्ययन कर सकेंगे। और यह राष्ट्रीय चेतना यह समीक्षा का एक यह भी एक आधार हो सकता है, बाबूराम जी लोग इस पर शोध करा सकते हैं इस दृष्टि से कि राष्ट्रीय चेतना के आधार पर रची गई न केवल कहानियां बल्कि कविताएं भी, साहित्य की दूसरी विधाएं भी। एक समय तो था जबकि राष्ट्रीय कविता, लेकिन अब वो राष्ट्रीय कविता हम लोगों ने उसको नेपथ्य में डाल दिया। लेकिन राष्ट्रीय चेतना शब्द यह अधिक व्यापक है और इस व्यापक शब्द को केंद्र बना करके कहानियों को पहचानना, कहानी रचना को, साहित्य रचना को प्रोत्साहित करना, यह क्योंकि स्वाधीनता, हम भौगोलिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हुए भी मानसिक दृष्टि से स्वाधीन अगर नहीं है, प्रेमचंद ने कहा ही था कि अगर जान की जगह गोविंद कुर्सी पर बैठ गए स्वतंत्रता मिलने के बाद, यह कैसी स्वतंतरता होगी। अगर सूट-बूट टाई लगा करके साहब जो है उसी निर्ममता के साथ नागरिकों के साथ पेश आते रहे तो यह कैसी स्वतंत्रता होगी। तो माने राष्ट्रीय चेतना के व्यापक फलक में ये सारी बातें आ जाती हैं और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कहानियों की पड़ताल का एक उपक्रम जो बाबूराम त्रिपाठी जी ने यहाँ पुण्यभूमि में किया है यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बताया कि मैं इस विषय में कोई अध्येता नहीं हूँ, न जानकर एक काम जो हमने फाना है तो हर महीने कुछ कहानियों को चुनना, उन्हें प्रकाशित करना, उनको काट छांट के प्रकाशन योग्य बनाना और समय समय पर प्रतियोगिता वगैरह करके उनको पुरस्कृत करना, यह मेरा एक रूटीन अफेयर है, यह एक मशीनी कार्य है। मैं इस विषय पर इससे ज़्यादा इस समय कुछ बोलूं तो अत्याचार होगा। नीरजा जी को सुनना है और कुमार पंकज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने राष्ट्रीय चेतना की जो विशद व्याख्या की, विशद फलक प्रस्तुत किया, वह सच में बहुत ऊंची बात है। और आपका कहना यह है कि राष्ट्रीय चेतना को हमें संकीर्ण धारणे से निकालना होगा, देश हित का चिंतन करना ही राष्ट्रीय चेतना है। मूल रूप से कहा जाए देश के प्रति, देश की रक्षा के प्रति, देश के विकास के प्रति, देश के हित के प्रति जागरूक रहना राष्ट्रीय चेतना है। तो इस दृष्टि से जो भी कहानियां हैं वो राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत कही जाएंगी। मैं एक यहाँ हमारे विभाग में अनुराग त्रिपाठी जी हैं, वो भी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आइए और अपने विचार व्यक्त करिए, डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी। मंच पर आसीन परम श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर कुमार पंकज जी, परम श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर वरराज पांडे जी और बनारस के महावीर प्रसाद द्विवेदी डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सरस्वती पत्रिका लंबी गलती थी, वही काम आप कर रहे हैं और निरंतर चल रहा सोच विचार हर महीने में अंक आ रहा है, यह बड़ी बात है। वर्तमान युग की महादेव वर्मा मैं कह सकता हूँ डॉक्टर निर्जा माधव जी को, क्योंकि आपने साहित्य की सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई और इस सभागार में उपस्थित हमारे संकाय प्रमुख प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी जी, डॉक्टर रामजी सिंह जी, हमारे सहयोगी विवेकानंद जी, नवीन जी,
अरविंद जी और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, बलराज जी अभी बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था, अब विवेकानंद से भी चर्चा हो रही थी तो विवेकानंद ने कहा कि गुरु जी दो बैलों की कथा में भी कह रहे थे राष्ट्रीय चेतना है, तो मैं फिर से पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा कि अगर गुरु जी कह रहे हैं तो सच में होना चाहिए, और मैं पढ़ा, मुझे लगा कि सच कह रहे थे गुरु जी। और उसने कहा था से जो यात्रा शुरू की उन्होंने, लेकिन प्रेमचंद तक आते आते राष्ट्रीय चेतना का भाव लगता है जैसे धीरे धीरे कहानी में समाप्त हो रहा है। जिस संदर्भ में हम ले रहे हैं, जिस संदर्भ को यहाँ हम कोट कर रहे हैं, अगर उस दृष्टि से देखें, अब व्यापकता की दृष्टि से देखें तो हो सकता है आगे भी दिखे, क्योंकि प्रेमचंद 1908 ईस्वी में जब सोजे वतन संग्रह का प्रकाशित हुआ और अंग्रेज सरकार ने उसे जब जब्त कर लिया, तो प्रेमचंद किसी तरह अपनी नौकरी बचाए उस समय। और वही प्रेमचंद 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में अपनी नौकरी से त्याग पत्र देकर गांधी जी के साथ सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह क्रांतिकारी परिवर्तन प्रेमचंद में दिखता है। और 1930 ईस्वी में हंस नवंबर के अंक में, हंस में संपादकीय में वो लिखते हैं कि हमें चारों ओर अपनी विजय का लक्षण दिखाई देते हैं और हम इसी तरह इस क्षेत्र में डटे रहेंगे तो निसंदेह हमारी मनोकामना पूरी होगी। जब राज संस्था अपने ही बनाए हुए कानूनों को पैरों तले रौंदना शुरू करे तो उसकी दशा उस पागल की से समझना चाहिए जो अपने अपने देह को दांतों से काटता है। यह बड़ी बात कही उन्होंने अंग्रेजों के लिए, कहा अभी पागल हो चुके हैं, उसी पागल की तरह हो गए हैं जो अपने ही देह को अपने दांत से काटता है। लेकिन जब राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से कहानी जब खोजना शुरू करिए तो एक बड़ा संकट है। और मैं जितेंद्र नाथ मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि एक अंक आप निकालिए कम से कम सोच विचार में जो राष्ट्रीय चेतना से संबंधित कहानियां हों। आपका ग्राम कथा अंक निकलता है, वो हम लोग पढ़ते काशी का अंक निकलता है, एक अंक इस तरह का आना चाहिए। कम से कम हम लोग जैसे जो पाठक हैं उनको सुविधा हो कि राष्ट्रीय चेतना खोजी जा सके कहाँ कहाँ है। खोजने के गुरु बलराज पांडे जी ने बहुत अच्छा उसने कहा था, और गुंडा दोनों में दिखाया। खैर गुंडा तो और पुरस्कार प्रेमचंद की सबसे महत्वपूर्ण कहानी मानी जा सकती है राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से, जयशंकर प्रसाद की सारी। अब प्रेमचंद की कहानी की जब बात करते हैं तो मैं कुछ कहानियों को पढ़ रहा था और मैं उनका नाम गिना सकता हूँ, जैसे माँ, अनुभव, कुत्सा, रियासत का दीवान, विश्वास, जेल, शराब की दुकान, समर यात्रा, दुस्साहस, जुलूस, मैकू, सुहाग की साड़ी। ये कुछ इस तरह की कहानियां हैं जिसमें स्वाधीन चेतना दिखती है। और उसमें मैं दो कहानियों की बात करूंगा, मैकू और सुहाग की साड़ी। प्रेमचंद के पात्रों में ही इतना क्रांतिकारी परिवर्तन अचानक दिखता है और कहीं दिखता नहीं है। मैकू जो शराबी हो और जब शराब पीने जाता है, ताड़ी की दुकान पर जाता है ताड़ी पीने के लिए, और वहां जब स्वयं सेवक खड़े हुए हैं और स्वयं सेवक उसे मना कर रहे हैं, तब तक एक थप्पड़ खींचकर वह स्वयं सेवक को मारता है। देखता है कि स्वयं सेवक कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, तो वह सोचने लगता है कि वो चिंतित है कि ये सब क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। फिर वो मना करते हैं कि आप अंदर न जाइए, ताड़ी न पीजिए, शराब न पीजिए। तो कहता है कि मैं कसम खाता हूं मैं अंदर जाके शराब नहीं पीऊंगा। और अंदर जाता है, जो ठेकेदार है और चौकीदार बड़े प्रसन्न होते हैं कि बड़ा अच्छा काम किए मैकू भैया, तुमने एक थप्पड़ खींच के मारा, ये लो डंडा और इस डंडे से मारो इन स्वयं सेवकों को, क्योंकि कई दिनों से हमारा व्यवसाय नहीं चल रहा है। ये आके यहीं खड़े हो जाते हैं। कहा ठीक है, और कहा आज तुम्हें फ्री में पिलाऊंगा शराब, मुफ्त में, और डंडा दे देते हैं। वह डंडा उठाता है, पहले ठेकेदार को मारता है, फिर चौकीदार को मारता है, और उन शराबियों को मारता है जो शराब पीने के लिए वहां आए हुए हैं। इस तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन, इस तरह का चरित्र सिर्फ प्रेमचंद के यहाँ दिखता है। और वह जो शराबी उसमें, और यह प्रभाव गांधी जी के सत्य और अहिंसा का प्रभाव है। जो उसने अहिंसा दिखाई उसके प्रति उसने उसका कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं किया, उससे ज्यादा प्रभावित मैकू हो जाते हैं। दूसरी कहानी है जो सुहाग की साड़ी। सुहाग की साड़ी जो कहानी है वह हमारे यहाँ जमींदार ठाकुर रतन सिंह और गौरा की कहानी है। जब हमारे यहाँ स्वदेशी आंदोलन चलाया गया बंगाल विभाजन के समय, उसके बाद चला कि हम जितने विलायती या विदेशी कपड़े हैं हम उसको त्याग देंगे, उसको जला देंगे। और इस दृष्टि से पति पत्नी में विवाद हो रहा है। पति ठाकुर रतन सिंह कह रहे हैं पत्नी से अपने सब कपड़े दो और बाहर स्वयं से खड़े हुए हैं उनको दे देना, इसका होलिका दहन हो जाना आज।
पत्नी सब कपड़े तो दे देती लेकिन अपनी सुहाग की साड़ी नहीं देती है, कहती है यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह क्योंकि शकुन की साड़ी है, इससे आपका जीवन जुड़ा हुआ, मैं इसे नहीं दूंगी। बहुत वाद विवाद के बाद पति हार जाता है, कहता है ठीक भाई मत दो, लेकिन बाहर जब वो जाता है तो कहता है एक शपथ पत्र पे हस्ताक्षर कराया जा रहा है, कह रहा है कि मैं उस पर हस्ताक्षर कैसे करूंगा, मैं कैसे झूठ बोलूंगा कि मैंने अपने सभी वस्त्र बाहर कर दिए। इस वाप में पड़ा हुआ है, तभी उसके घर के नौकर और नौकरानी दोनों कपड़े लेकर अपने, जिनके पास कपड़े भी नहीं ढंग से पहनने के लिए, वो सब भी अपने कपड़े लेकर बाहर आते जलाने के लिए, उनको देखकर उनके आंखों में आंसू भर जाते हैं। यह घटना उनकी पत्नी देखती है, पत्नी देखकर वो कहती है कि रुकिए ये साड़ी भी ले जाइए। जब वो सुहाग की साड़ी को होलिका दहन में डाल दिया जाता है, जल जाती है वो। उसके बाद कई दिन तक पत्नी दुखी रहती है। एक दिन ठाकुर रत्न सिंह ने कहा चलो तुम्हें स्वदेशी बाजार घुमा लाते हैं। जब वो स्वदेशी बाजार घूमने जाते हैं तो वहां देखते हैं उनके घर के नौकर नौकरानी कई दिन से काम पे नहीं आए थे। देखा कि वो लोग तो बाजार में अपना कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। देखा कि उनमें बड़ा स्वाभिमान जगा, उन्होंने कहा कि अरे मतलब कि महारानी आपके कारण आज हम इस स्थिति में आए हैं, क्योंकि जब आपने अपने सुहाग की साड़ी दे दिया, जला दिया, तो लोगों में इस तरह की भावना जगी और सब लोगों ने अपने विदेशी वस्त्र जला दिए। अब हम लोग स्वदेशी वस्त्र के नाम पर हमारा व्यवसाय चला है, हम भी अपनी रोजी रोटी कमा ले रहे हैं। वह गौरा देवी में इतना ही परिवर्तन है तो गौरा देवी आती कहती अपने पति से कि ऐसा करिए स्वदेशी बाजार की व्यवस्था करिए। उन्होंने कहा बड़े पैसे खर्च होंगे, कहा घर बेच दीजिए, कहा घर बेच दीजिए, कहा रहोगी पेड़ के नीचे, कहा नहीं गांव के मकान में रहेंगे, कहा ठीक। फिर कहा और जो कपास के कृषि के लिए किसानों को प्रोत्साहित करिए, और कहा उनको प्रोत्साहित करिए, उनसे कहिए जो इस तरह की कृषि करेंगे उनको लगान नहीं दिया जाएगा, लगान नहीं लिया जाएगा उनसे। और तीसरी बात कहा कि पेड़ काट दीजिए चरखा बनाने के लिए। यह इस तरह के क्रांतिकारी परिवर्तन प्रेमचंद के कहानियों में ही दिखता है और स्वाधीन राष्ट्रीय चेतना उनके यहाँ दिखती है, क्योंकि प्रेमचंद के पूरे कहानी को पढ़ने के बाद लगता है कि प्रेमचंद गांधीवादी विचारधारा से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन मंच पर आसीन श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर कुमार पंकज जी से मेरा एक निवेदन है कि जब आप यहाँ आएंगे तो मेरा प्रश्न है कि जब मैं नई कहानी पढ़ता हूँ, नई कहानी में कई विषय मिलते हैं मुझे, विवाह के इतर संबंध, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, ग्रामीण बोध, शहरी बोध, अजनबीपन, कुंठ, बहुत तरह के विषय मिलते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से कहानियां खोजिए तो कम मिलते हैं। क्योंकि मैं अभी हंस देख रहा था और राजेंद्र यादव जी के संपादक में देख रहा था तो उसकी एक समीक्षा निकली थी, उसमें इस तरह के विषय थे लेकिन स्वाधीन चेतना से संबंधित कोई कहानी नहीं उसमें थी। या हो सकता है को जिसने निकाला वो उस पर ध्यान न गया हो। दूसरा एक और यह है कि इधर बीच पढ़ते पढ़ते मैं पढ़ रहा था तो निर्जा जी की दो कहानियां मैंने पढ़ा, एक अभी कर्मपथ में निकला था और एक कहानी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, अभी ठहरो अंधी सदी का कहानी संग्रह आया था उसमें पढ़ा था मैंने देश के लिए। तो वह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी पड़ोस में रहती है मेरी आंटी, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए कि वह सबसे अच्छी कहानी मुझे आपकी वही लगती है आज तक। वो इसलिए लगती है क्योंकि वो जो कहानी है एक ऐसी महिला है जो वेश्यावृत्ति करके रेशम के धागों को जुटाती है, और जब उससे पूछा जाता है क्या करोगी तो कहती है मैं इसका राखी बनाकर उन सैनिकों को भेजूंगी जो वहां पर सैनिक हमारे लिए युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं या शहीद होते हैं। इस तरह का भाव। दूसरी कहानी जो आपकी महत्वपूर्ण है देश के लिए, वो काम आया अभी 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 निकला है कर्मपथ पर, वो कहानी में पढ़ रहा था। आजकल आतंकवादी घटनाएं बहुत तेजी से हो रही हैं हमारे यहाँ, और आतंकवादी घटनाओं में अक्सर कोई न कोई जवान शहीद हो जाता है। जो शहीद होता है जवान उसकी उम्र उसकी 25 साल 30 साल यही अक्सर आते हैं। उसको लेकर आपने कहानी लिखा और लिखते समय आप लिखा कि जब जो जवान शहीद वल्लभ कुमार नाम है उसका, उरी में एक बार घटना हुई थी ना जब हमारे सैनिक सो रहे थे तो उस पर आतंकवादियों ने रात में सोते समय आक्रमण कर दिया तो उसमें कुछ सैनिक शहीद हो गए थे, उसी का एक सैनिक है लव कुमार जिसे जिस कहानी को अपना विषय बनाती हैं। और उसमें उसको पढ़ते पढ़ते समय ये लगा कि ठीक है वो शहीद हो गया, और शहीद जैसे आतंकवादी घटना होती है हमारे गृह मंत्री या प्रधानमंत्री तुरंत एक मीटिंग बुलाई जाती है, सेना प्रमुख से बातचीत की जाती है और कहा जाता है कि ये घटना हुई है उस पर विचार विमर्श कैसे निपटा जाए। उसके साथ मीडिया का बड़ा योगदान होता है, मीडिया ऐसे दिखाते उसको ये देखिए शहीद हो गए,
लेकिन उसके बाद का बड़ा विचित्र स्थिति यह नहीं समझ में आती, वो लड़का जो शहीद हुआ है उसकी एक बूढ़ी माँ है, उसकी एक पत्नी है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बारे में फिर नहीं सोचते हम, कुछ पुरस्कार और कुछ राशियां दे देते हैं उसको और फिर वो जाते हैं, वो मतलब कि एक उसके अंतिम संस्कार हो जाते हैं। वह जो स्थिति है उसके घर की स्थिति है, क्योंकि सैनिकों को बहुत अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती है, न ही उनका जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से होता है, उनका घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। वह बूढ़ी माँ, उसकी पत्नी, बार बार उसके बच्चे पूछते हैं कि पिताजी को क्या हो गया, तो कहते हैं बच्चे आपस में बात करते हैं कि वो देश के लिए काम आ गए, तो कहा क्या होली पे आएंगे, तो कहता नहीं वो शहीद हो गए, मर गए। तो इस तरह के विषय को लेकर मैं कल्पत को पढ़ा था, तो मुझे लगा कि बहुत दिन बाद ठीक है ये जो कहानियां लिखी गई, ये कहानी लिखी गई कुछ कम से कम आज के परिवेश के जो आतंकवाद को लेकर लिखी गई वो महत्वपूर्ण कहानियां थी। और पूरे मैं अपने विचार को करते हुए अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, एक पंक्ति है, आजादी की यह कैसी उपलब्धि मिली हमको यारों, आजादी की यह कैसी उपलब्धि मिली हमको यारों, तूफानों से बच निकले पर डूब गए हम नावों में। धन्यवाद। अनुराग जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम समय में अपनी बात कह दी।